हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे इस टेक्निकल मेहताब यूट्यूब चैनल में, और मैं हूं आपका दोस्त महताब आलम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका व्हाट्सएप अकाउंट बंद हो चुका है तो उसे फिर से चालू कैसे करें। हालांकि ये जो कंसर्न है, ये जो दिक्कतें हैं जो लोगों को हो रही है व्हाट्सएप चलाने में, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहां पे लिखा हुआ है इट्स बैंड फ्रॉम यूजिंग व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट सपोर्ट फॉर हेल्प। इसका मतलब ये हुआ कि ये व्हाट्सएप के इस्तेमाल से बैन है, सहायता के लिए संपर्क करें। दोस्तों, ये एरर मैसेज हमारे कई प्यारे व्यूअर्स को मिला है, इसलिए कुछ लोग कमेंट करते हैं, कुछ लोग ईमेल करते हैं, तो कमेंट और ईमेल के जरिए सभी लोगों को समझा पाना ये काफी मुश्किल काम है, इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो ही बना दूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा व्हाट्सएप अकाउंट बैन क्यों होता है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब एक व्हाट्सएप यूजर दूसरे व्हाट्सएप यूजर को गंदी गंदी फोटोज, ऑडियोज, वीडियोज, या फिर आप यूं कह लें तो डेफामेट्री यानी महाहानिकारक और धमकी भरे मैसेज भेजता है, तो व्हाट्सएप कंपनी उस व्हाट्सएप यूजर का अकाउंट बंद कर देती है। और जब वे किसी का फेक अकाउंट बनाते हैं या हिंसा को बढ़ावा देते हैं तो उस केस में यूजर्स पर भी बैन लगा दिया जाता है। या फिर ऐसे लोग जिनके फोन में आपका नंबर सेव नहीं है और उन्हें आप बहुत सारे मैसेज भेज रहे हैं, तो ऐसे केस में आपका व्हाट्सएप अकाउंट बैन हो सकता है। बैन होने के और भी रीजंस हो सकते हैं, लाइक अगर आपके व्हाट्सएप नंबर को कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोग ब्लॉक करते हैं तो भी आपका अकाउंट बैन हो सकता है, या एक ही मैसेज को बहुत सारे लोगों को सेंड करना। इसके अलावा थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस जैसे व्हाट्सएप प्लस, ओजी व्हाट्सएप, जीबी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना, इन सारे वजहों से व्हाट्सएप अकाउंट बैन हो सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो व्हाट्सएप पे कोई भी इलीगल एक्टिविटीज होती है तो व्हाट्सएप कंपनी व्हाट्सएप यूजर का अकाउंट बैन कर देती है, यानी बंद कर देती है। तो चलिए जानते हैं कि बैन हुए व्हाट्सएप अकाउंट को अनबैन कैसे करते हैं। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ आएगा। तो बिना वक्त जाया किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहता हूँ। जरूरी बात यह है कि जल्दी से हमारे इस टेक्निकल मेहताब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि व्हाट्सएप ऑन बैन करने में कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझसे इजिली कॉन्टैक्ट कर सकें। व्हाट्सएप ऑन बैन करने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं, मुझे आपके कमेंट जानने का इंतजार रहेगा। खैर, हम मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि जैसे आप व्हाट्सएप को ओपन करते हैं तो यहां पर आपको अग्री एंड कंटिन्यू शो होता है, तो यहां पर क्लिक करें। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना होता है। मोबाइल नंबर डालने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये शो होता है। तो बेसिकली यहाँ पे आप सपोर्ट पे क्लिक करें, उसके बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, डिस्क्राइब योर प्रॉब्लम। तो इस सेक्शन में आपको ये लिखना है, हेलो सर, माई व्हाट्सएप नंबर हैज बीन बैन, सो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ऑन बैन माई नंबर। फिर यहाँ पे नीचे में अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दे जो बंद हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर मैसेज टाइप करके नेक्स्ट पे क्लिक करें। उसके बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, पर आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस डज नॉट आंसर माई क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पर इसी पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जीमेल का ऑप्शन आएगा, तो इस पे क्लिक करें। उसके बाद फिर एक दो सेकंड रुके, फिर यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली ये मैसेज लिखा हुआ आएगा। लेकिन याद रखें दोस्तों, इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपने जो डिटेल भरी है वो सही है या नहीं। अगर नहीं है तो ही चेंज करें, अदरवाइज ना करें। उसके बाद आपको सेंड पे क्लिक करके ईमेल को सेंड कर देना है। उसके बाद फिर आपको ये इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको बता दें कि मेल करने के बाद आपको व्हाट्सएप कंपनी की तरफ से रिटर्न मेल आएगा। फिर आपका व्हाट्सएप 48 से 72 घंटे के अंदर चालू हो जाएगा, और ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मेरे एक प्यारे व्यूअर हैं जिनका नाम है सालिहीन, उनका भी यही इश्यू था, व्हाट्सएप बैन हो चुका था, फिर मैंने तरीका बताया तो 72 घंटे के अंदर व्हाट्सएप चालू हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें, ताकि उन लोगों तक ये बात पहुंच सके जिन लोगों का व्हाट्सएप अकाउंट आपकी तरह बैन हो चुका है, इसलिए इसे शेयर जरूर करें। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।